वेलकम टू माई YouTube चैनल। सो गाइस आज की जो है आज हम लोग मारेंगे नाइट आउट। सो गाइस जैसे कि उस दिन संडे के टाइम पे जो 1 जनवरी के टाइम पे मैं जैसे कि मेदनापुर जाने वाला था उस टाइम पे तो नहीं गया था। सो गाइस आज जाने वाला हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के, मतलब 6 बजने को जा रहा है। तो इस टाइम पे अभी अपन लोग निकल रहे हैं, हम लोग दो जन निकल रहे हैं, मतलब दोनों ही R15 है, एक R15S है और एक R15 मतलब Version 3 है। सो गाइस तो अभी निकल रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं, हम लोग नाइट में निकल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडी है अभी इस टाइम पे। तो गाइस आज तो हम लोग की फटेगी, लेकिन गाइस आप लोगों को दिखाऊंगा उधर लास्ट मेला चल रहा है, थोड़ा घूमेंगे और थोड़ा मजा करेंगे और क्या करेंगे, मेले में आके मचाएंगे, लड़की पटाएंगे, हमें लड़की पटाएगा, हमें लड़की बहुत मारेगी। सो गाइस तो कोई नहीं, तो चलते हैं राइट पे। तो गाइस तो फाइनली अभी अपन लोग निकल चुके हैं राइट के लिए और नाइट मारेंगे, फुल मचाएंगे गाइस, फुल मचाएंगे। आज अपन लोग लॉन्ग रूट जा रहे हैं, 50 किलोमीटर इधर से मेदनापुर गाइस, पूरा 50 किलोमीटर जाने आने, 100 किलोमीटर आज मारेंगे गाइस। तो चलते हैं, आप लोग देखे लास्ट तक वीडियो को, मजा आएगा। और हो सके तो भाई भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। आप लोगों को पता है इस टाइम में ठंडी के सीजन में गाइस गाड़ी चलाने तो अच्छे की फट जाती है। तो गाइस तो मैं अभी चला जा रहा हूँ मेदनापुर, जहाँ पे मेला चल रहा है चर्च के पास, आज लास्ट मेला है, उस जगह पे जाएंगे और गाइस थोड़ा मचाएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, फिर उसके बाद वापस अपने घर पे आ जाएंगे। और अपने साथ अपने भाई लोग जा रहे हैं तो साथ में, तो चलते हैं आगे फटाफट, जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ? हाँ ठीक है। तो गाइस तो हम लोगों का अभी चल रहा है रील, तो गाइस तो फाइनली अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं मेदनापुर। तो इधर से अभी अपन लोग निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो अपन लोग जल्दी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पहुंच चुके हैं मेदनापुर और अभी पहुंचने वाले कोर्ट के सामने, मतलब इधर सामने एक कोर्ट है मेदनापुर का कोर्ट। तो चलेंगे अपन लोग केरानी टोला से, उधर से जाएंगे मेले पे। ओ भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा है अभी तो, और मेदनापुर का जो ट्रैफिक है गाइस क्या बोलूं, बहुत ही तंग ट्रैफिक है। और मेरा फ्रेंड चल रहा है आगे और मैं चल रहा हूँ उसके पीछे, और ये टेम्पो वाला तब से परेशान करके रखा है। तो गाइस तो अपन लोग अभी पहुंचने वाले हैं मेला, देख सकते हो आप लोग इधर गर्दी कितना ज्यादा है। तो अपन लोग अभी पहुंचने वाले हैं मेले पे और इधर ही, मतलब जितना गर्दियां, इधर बहुत ज्यादा गर्दियां हैं, आप लोग देख सकते हो मेदनापुर में जो जबरदस्त गर्दियां होती हैं इधर मेले के टाइम पे, इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्दियां होती है। तो कोई नहीं, तो निकलते आगे जाएंगे, ये है सामने चर्च, तो अपन लोग जाएंगे थोड़ा आगे जाके किधर पार्क करेंगे गाड़ी और उसके बाद फिर वापिस आएंगे। और ऐसे जगह पे पार्क करना है गाइस तो जहाँ से जल्दी गाड़ी भी निकले, वरना जहाँ से आइटम मिली मतलब छोड़ देगा। तो गाइस तो देखे ये जो बंदा है आया साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड को अभी लाने के लिए जा रहा है और जहाँ से, मतलब अपनी को बोल रहा है कि तुम लोग घूमो उधर और मैं मेरी आइटम को लेके आ रहा हूँ, आने के बाद मैं घूमूंगा, तुम लोग घूमना। मतलब क्या बोलूं गाइस, आया साथ में फ्रेंड है, आया साथ में लड़की मिलते साथ ही भूल चुका है फ्रेंड को, लड़की मिलते साथ ही फ्रेंड को भूल चुका है। देखे ऐसे वाला कमीने फ्रेंड है। तो गाइस तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेले पे और आप लोग ये देख सकते हो ये मेले का एंट्री गेट है, अपन लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अंदर, तो एक चले गए अपने, मतलब आइटम को ढूंढने के लिए निकल गया, तो अपन लोगों को चलते हैं अंदर। भाई काफी ज्यादा गर्दी है और ये चर्च है, और जाएंगे आप लोग अंदर, देखते हैं फिर आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं, आप लोग लास्ट तक देखें और बने रहे वीडियो। ओ अब गर्दी देख सामने,
भाई काफी ज्यादा गर्दियां हैं इधर। ओ भाई आप लोग देख सकते हो तो ऐसा आइटम मिलता है इधर। चल चढ़ जाएंगे। तो गाइस तो देखें तो अपन लोग मेले के अंदर एंट्री हो गए। बहुत बड़ा मेला लगता है इधर इस टाइम पे। और गाइस शाम के टाइम पे उफ गर्दी देखें गाइस आज, क्योंकि एक्चुअली लास्ट है शायद ठंडी में। सही से आप लोगों को बोल भी नहीं पा रहा हूँ। देखें इधर टैटू बनता है। क्या मैं बनाना है क्या टैटू? मेरे को नहीं बनाना है बाबा। सही बोले, जल्दी से आगे निकलना चाहिए। बीच रास्ते पे खड़ी है, देखो अजीब बात है। इसमें जरूरत नहीं। तो गाइस तो देखे चलो चलते हैं आगे। लास्ट में मोबाइल निकालना पड़ेगा लगता है मुझे। अबे अबे कभी झूठा अरे तेरी। ठंडी में आइसक्रीम, गर्मी लगी है आइसक्रीम खाने में गर्मी लगता है। मालूम है गर्मी लगेगा। तो गाइस देख सकते हो आप लोग गर्दियां, देखिए बहुत ज्यादा गर्दियां इधर। और भाई मतलब अब अपने को हिल डुलने को भी नहीं होता है अभी इस टाइम पे। तो चलते हैं अभी आगे, चलते हैं आगे आप लोगों को दिखाते हैं। और इधर जितना आइटम है सब खाने पीने का आइटम है, और ये खाने पीने का सब कुछ है चालू है। तो देख सकते हो इधर भी है। अरे कितना बड़ा है, मैं खत्म ही नहीं कर पा रहा हूँ घूम घूम के। अब मैं शायद घूम भी गया हूँ, कहाँ से निकलना है वो भी शायद मुझे पता नहीं है। तो देखते हैं चलो। वो ही है, वो देखने मिलेगा जरूर, भीड़ में ही है। दिखेगा जरूर भीड़ में। अगर कहीं ना कहीं सामने रहेगा ये भीड़ में। तो ये बच्चे लोग इधर जितना सब कुछ बच्चे लोग है, इसके वजह से गाइस पूरा खाली है इधर। तो इधर बच्चे लोग भी घूम सकते हैं, और इधर अपना खाना पीना जो भी है चल ही रहा है। तो गाइस ये है सामने, ये है चर्च। इसी चर्च का मेला होता है हर साल इसी टाइम पे गाइस, इधर मेला होता है। तो आप लोग देखें ये, देखें इस तरह से सजाया गया, हाथी घोड़ा क्या क्या सजाया गया इधर। और देखें ये अंदर, तो जय अंदर नहीं जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा बाहर से घुमा के आप लोगों को सब कुछ दिखा देंगे। Thank you.
तो गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है और आप लोगों को सही से कुछ सही से दिखा नहीं पाया, तो चलो चलते हैं आगे। तो गाइस तो फाइनली हम लोग मेदनापुर से वापिस आ रहे हैं और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं पासपुरा। गाइस पूरा रात लग चुका है ठंडी में। ओह भाई ठंडी भाई बहुत ज्यादा ठंडी है, हाथ में पूरा सब कुछ अकड़ चुका है वापिस जाने में। और अभी हम लोग पहुंचने वाले, अभी हम लोग पासपुरा इधर से लगभग 2 किलोमीटर अभी भी है। गाइस ठंडी में पैर हाथ सब अकड़ गया है। ओह भाई भाई खतरनाक आज का जो राइड हुआ है गाइस, खतरनाक राइड हुआ है। बहुत ज्यादा लेट हो गया था उधर से निकलने में मेले में से। तो गाइस बहुत खतरनाक राइड हुआ है। ओह पास तो अभी तक नहीं पहुंचे, अभी पहुंचने ही वाले हैं तो, लेकिन हम लोग ऊपर से जाएंगे। ओ भाई ठंडी खतरनाक वाली लेवल की ठंडी है इधर। ओ और बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ओ और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो गाइस तो फाइनली हम लोग अभी पासपुरा पहुंच चुके हैं। तो गाइस आप लोगों को तो शायद फुटेज नहीं दिख रहा होगा, और जो बंदे मेरे चैनल में नहीं है प्लीज भाई आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भाई कमेंट करके बताएं किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए। और गाइस तो अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।